बीसीसीआई ने आईपीएल को फिलहाल कैंसिल कर दिया है। आईपीएल के कई खिलाड़ियों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद बोर्ड की ओर से यह फैसला लिया गया है। मामले बढ़ते देख भारतीय और विदेशी दोनों खिलाड़ी इससे हटने पर विचार कर रहे थे। आईपीएल को फिलहाल टाल दिया गया है और उसके बाकी मैच कब करवाए जाएंगे इस पर फैसला बाद में लिया जाएगा। बता दें कि सोमवार को पहले कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होने वाले मैच को कोरोना के चलते टाल दिया गया था। यह मैच अहमदाबाद में खेला जाना था। कोलकाता नाइट राइडर्स के दो खिलाड़ियों वरुण चक्रवर्ती और तेज गेंदबाज संदीप वॉरियर कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों के मुताबिक मंगलवार को अमित मिश्रा और रिद्धिमान साहा के पॉजिटिव पाए जाने के बाद यह फैसला लिया गया है। चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलिंग कोच लक्ष्मीपति बालाजी और बस के क्लीनर की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। कई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पहले ही कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते अपने देश लौट गए थे, जिसमें एडम जंपा, एंड्रू टाई और केन रिचर्डसन शामिल थे। राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन ने भी बायो बबल की थकान से तंग आकर इंग्लैंड लौटने का फैसला किया था। इस बीच दिल्ली कैपिटल्स के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भी 25 अप्रैल को आईपीएल से ब्रेक लेने का फैसला किया था। आईपीएल को टाल दिया गया है। अगर इसे पूरी तरह रद्द कर दिया जाता है तो बोर्ड को करीब 2000 करोड़ का नुकसान होगा। साथ ही इस साल भारत की मेजबानी में होने वाले T20 वर्ल्ड कप पर भी खतरा मंडराने लगेगा। भारत से मेजबानी छीनी जा सकती है, इससे भी बीसीसीआई को करोड़ों का नुकसान होगा। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स की माने तो यह निलंबन केवल कुछ समय के लिए है। एक सप्ताह बाद आईपीएल फिर से शुरू हो सकता है।